चलिए, तो हमारा चैप्टर सेटअप पूरा हो गया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और शायद सबसे लेंथी चैप्टर यही है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी। इनकम फ्रॉम BNP बिजनेस एंड प्रोफेशन, IMP एंड इक्वली लेंथी चैप्टर। तो देखो BNP के लिए हमेशा देखो BNP की जो बेस है, BNP का बेस हमेशा होता है, BNP का बेस हमेशा होता है डेप्रिसिएशन। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू लर्न डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स तो देखो ना, लिसन कैरफुली, डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। अब डेप्रिसिएशन अदर रिबेट्स में क्या होता है आप सबको पता है। पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज। एनी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू इट्स यूज विल बी ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन दोनों स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स वर्सेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का सीन क्या रहता है, अकाउंट्स में हमेशा डेप्रिसिएशन का सीन रहता है, अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन का सीन क्या रहता है हमेशा। ठीक है, शिट मैन, नहीं सेटअप तो खत्म हो गया ना यश, कल डेप्रिसिएशन अदर रिबेट्स चैप्टर नाम तो याद होंगे आप लोगों को। तो देखो डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या होता है, दो मेथड होती है, टू मेथड्स, SLM एंड WDV। और इनकम के अंदर केवल एक ही मेथड है WDV। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू मेथड्स है SLM प्लस WDV, फिर रेट एज पर यूजेस, और इसके अंदर प्री डिटरमाइंड रेट्स होती है।
तो बेसिकली देखो ऐसी बात नहीं है कि केवल एसएलएम नहीं होती, पर हाँ इनकम टैक्स के अंदर मेजरली डब्ल्यूडीबी चलती है प्री डिटरमाइंड रेट्स के ऊपर, और वही चीजें सब कुछ आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग रूल्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए रूल्स क्या हैं? ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए रूल्स क्या क्या होंगे तो सुनो। सबसे पहले एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट एसेट, जो एसएससी है उस एसेट का क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली ओनर होना चाहिए, तो ही वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सेकंड एसेट बिजनेस के ही यूज में आनी चाहिए और किसी के नहीं। एसेट किस में यूज में आनी चाहिए? बिजनेस में यूज में आनी चाहिए और किसी में भी नहीं, तो ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एंड उसको बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या हुआ, पहली कंडीशन क्या हुई, डेप्रिसिएशन किसमें, डेप्रिसिएशन के लिए क्या होना होगा, आपको एसेट का ओनर होना होगा। अगर आप एसेट के ओनर हैं तो ही डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरा एसेट किसमें काम आनी चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम आनी चाहिए। एसेट किसमें काम आनी चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम आनी चाहिए। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा है जिसके पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ओनर हैं मिस्टर ए एंड दिस इज लेट आउट टू मिस्टर बी। ऑनर है मिस्टर ए और लेट आउट किसको की है, मिस्टर बी को। ओके डन। तो चलो अब यहां पे क्या होगा, केवल जो ऑनर है, अब बेसिकली यूज कौन कर रहा है बिल्डिंग को, बिल्डिंग बेसिकली यूज कौन कर रहा है, मिस्टर बी uses for residential purpose। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर बी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या? क्या मिस्टर बी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, फेज एंड। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो हमेशा रेंट पे करते हैं, तो उनके पीएनएल में क्या जाएगा, रेंट जाएगा, दैट्स इट। तो हमेशा एसेट का ओनर अगर यहां पे कोई एलिजिबल भी होगा तो मिस्टर ए डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है, मिस्टर बी तो कतई नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिल्डिंग है
ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो रेजिडेंशियल है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिजनेस यूज में आ रहा है। तो इन दैट केस डेप्रिसिएशन कौन से वाले पोर्शन पर लगेगी? डेप्रिसिएशन कौन से वाले पोर्शन पर लगेगी? तो लॉजिकल बात है डेप्रिसिएशन लगेगी बिजनेस वाले पोर्शन पे। अ वेरी लॉजिकल आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपकी दोनों कंडीशन समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे दो वर्ड लिए थे, डेप्रिसिएशन लगती है WDV पे और प्री डिटरमाइंड रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन, मेथड। तो देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड क्या होगी, सुनना। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट, ठीक है। सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1st April, WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1st April एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर और ये आ जाएगी आपके टोटल बैलेंस, फिर लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, और यहां पे आपके तीन आंसर आएंगे, यहां पे आपके पास तीन आंसर अवेलेबल होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अगर बैलेंस नेगेटिव है तो कंपल्सरी आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सिंपल ठीक है, फिर पॉजिटिव आंसर है बट सारी एसेट बेच दी, आंसर पॉजिटिव है बट उसने सारी एसेट सेल कर दी, तो क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और आंसर पॉजिटिव है बट सारी एसेट्स नहीं बेची है तो उसको मानेंगे बैलेंस ऑफ एसेट। तो देखो
the point is, सबसे पहले WDV of block on 1st April, उसमें add करनी है purchase during the year, तो ये आ जाएगा आपके total balance, फिर less कर देंगे sale during the year, less कर देंगे sale during the year, तो अब अगर answer positive है, तब तो क्या मानेंगे short term capital gain, और अगर answer negative है, तो क्या मानेंगे short term capital gain, answer positive है और सारी assets बेच दी, तो short term capital loss, answer positive है but सारी assets नहीं बेची है, तो उसको मानेंगे balance of assets, that's it, very simple, okay, yes or no, चलिए, नोट यहाँ पे ये है, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर चार्ज होगा, बैलेंस ऑफ एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगेगा, बैलेंस ऑफ एसेट, अगर बैलेंस ऑफ एसेट नहीं है तो कोई डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। अ सेकंड थिंग, हम लोग एक बार ये सारी चीज डिस्कस हो जाए उसके बाद में जो अमेंडेड रेट्स है, क्योंकि मेजर अमेंडमेंट केवल रेट्स का हुआ है, तो जो अमेंडेड रेट्स है हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस थिंग, ओके, रेट्स इनकम टैक्स के अमेंड हो चुकी है, मतलब जो बीकॉम वालों के लिए एप्लीकेबल है वो अलग है, बीकॉम एमकॉम के लिए, और सीएमए के लिए जो है वो अलग है, एक बार ऐसे मैंने समझा रखी है, लेकिन एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग इस नई रेट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। सेकंड, ब्लॉक ऑफ एसेट, इसका मीनिंग क्या होता है, सेम नेचर एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रुप ऑफ सच एसेट्स, तो देखो ऐसी एसेट्स जिनका नेचर भी सेम है प्लस जिन पे डेप्रिसिएशन की रेट भी सेम है, उन एसेट्स का जो ग्रुप होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, उन एसेट्स का जो ग्रुप होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। होप कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। चलो एक और बात, नोट नंबर थर्ड, समझना इस चीज को, जिस ईयर में एसेट परचेज की हो डेप्रिसिएशन उसी ईयर से चार्ज करना स्टार्ट करना है, डेप्रिसिएशन भी उसी ईयर से आपको क्या करना है, चार्ज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल,
अभी तेरा नोट लिख रहा हूँ मैं, चेक करके। मैं क्या करके सारे नोट लिख रहा हूं ना। तो देखो, अगर कोई एसेट पार्टली बिजनेस यूज में और पार्टली ऑफिस यूज में आती है, तो एसेट की वैल्यू का पार्टीशन नहीं करना आपको, बट उस पर केवल बिजनेस यूज पोर्शन का डेप्रिसिएशन चार्ज करके लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग परचेस्ड फॉर 5 लाख and 25% used for personal purpose, और rate of depreciation आपको दे रखी है 10%। तो कितने लोग क्या करते हैं, 5 लाख को डिवाइड कर देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, तो देखो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन 5 लाख, 5 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, 25% पर्सनल है, तो बिजनेस यूज कितना हुआ, 75%। बिजनेस यूज कितना हुआ, 75%, दैट मीन्स 37,500 समथिंग, और WDV बच जाएगी 4,62,500। नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन 4,62,500 इंटू 10% इंटू 75%। तो आपको इसी तरह से कंटिन्यू करना होता है। तो समझना मेरी बात को, अगर कोई एसेट है, जो पार्टली तो बिजनेस यूज में आ रही है और पार्टली ऑफिस यूज में आ रही है, तो इन सच केस एसेट की वैल्यू का कभी पार्टीशन नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपको एसेट है 10 लाख की, 50% बिजनेस यूज में आ रही है, तो गलती से ऐसा मत करना कि 10 लाख का 50% 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। एसेट की वैल्यू 10 लाख ही रखेंगे, और जब भी डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो केवल बिजनेस यूज का, मतलब 50% डेप्रिसिएशन लेंगे। तो कितना ले लेंगे, 50%, मतलब पार्टीशन जो होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है, एसेट की वैल्यू का नहीं होता है। चलो, तो चार नोट लिखे हमने, एक बार भी समझना। मेथड, क्या होती है, सबसे पहले WDV और ब्लॉक ऑन 1st अप्रैल, जो भी आपका कैलकुलेशन है 17-18 है तो 1st अप्रैल ऑफ 17, ठीक है, 18-19 है तो 1st अप्रैल 18, 19-20 तो 1st अप्रैल 19, इस तरह से। फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, टोटल बैलेंस आ जाएगा, फिर सेल ड्यूरिंग द ईयर, अब अगर नेगेटिव आंसर है तो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई डिबेट नहीं इसके अंदर। पॉजिटिव आंसर है, आपने सारी एसेट्स बेच दी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और सारी एसेट्स नहीं बेची है तो बैलेंस ऑफ एसेट। ओके, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर चार्ज करनी है, बैलेंस ऑफ एसेट के ऊपर। ओके, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, सेम नेचर और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं वो क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ एसेट। चलो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन बैलेंस ऑफ एसेट। ओके, समझना, तीन सिचुएशन ले रहे हैं ना, फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। सबसे पहले आती है हमारे WDV ऑन 1st अप्रैल 2019, वो ले लेते हैं 10 लाख इन ऑल केसेस। ठीक है, आपके पास में एसेट है ए, एड परचेज किया आपने 1920 के अंदर बी, ठीक है 5 लाख के, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ आपके पास में 15 लाख। लेस सेल इन 1920 आपने सेल की है ऑप्शन नंबर वन में केवल एसेट ए और वो सेल कर दिया आपने, टोटल किसके आई है ए प्लस बी के ना, ए को सेल कर दिया आपने 18 लाख में। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस के 3 लाख। अब आपका आंसर क्या आएगा माइनस के 3 लाख। ठीक है, ओके, आंसर क्या है माइनस के 3 लाख। तो इन दैट केस यहां पे माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड अगर गेन हो रहा है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। आई बात समझ में? अब आपके पास में एसेट बी पड़ी है, आप लोग बोलोगे यार अभी तो हमारे पास एसेट बी पड़ी है, आप लोग क्या बोलोगे एसेट बी पड़ी है उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, तो फिर आपका गेन नहीं बढ़ जाएगा। आप सोच देखो लॉजिकल वे में सोचो, बिल्कुल लॉजिकल वे में सोचो, आपके एसेट कितने की थी 10 लाख की, ये जो बिल्डिंग थी जो भी ए एसेट थी, चलो छोड़ो ए जो एसेट थी वो कितने की थी 10 लाख की, आपने बेचा कितने में उसको 18 लाख में, 8 लाख का गेन होना चाहिए था ना, गेन कितना शो हो रहा है 3 लाख। आपके एसेट की वैल्यू 15 लाख है, तो क्या आप किसी भी सिचुएशन में 15 लाख से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो क्या? किसी भी सिचुएशन में आपके एसेट की वैल्यू 15 लाख है तो 15 लाख से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या आप? नॉट पॉसिबल, एसेट की वैल्यू से ज्यादा डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? तो द पॉइंट इज यहां पर क्या हो जाएगा, सेल कितने में किया 18 लाख में, तो आप लोग 15 लाख का डेप्रिसिएशन पूरा अलाउड करने के बाद केवल 3 लाख का गेन, 15 लाख पे डेप्रिसिएशन अलाउड कर दिया, इसका मतलब जो बी का उसका डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिक आपके अलाउड हो चुका है। द पॉइंट इज नेगेटिव बैलेंस आया, सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी चाहे एसेट हो या नहीं हो, सिंपल। चलो दूसरे पार्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपने एसेट सेल की है ए प्लस बी, दोनों सेल कर दी ए एंड बी, दोनों एसेट सेल कर दी 10 लाख में, दोनों एसेट कितने में सेल करी है 10 लाख में, तो 5 लाख का पॉजिटिव बैलेंस है, 5 लाख का पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन आपके पास कोई एसेट बची हुई है क्या? आपके पास में कोई एसेट बची हुई है क्या? नहीं है। आपके पास ए और बी दो एसेट थी, दोनों एसेट आप बेच चुके हो, तो कोई एसेट ही नहीं बची। जब कोई एसेट ही नहीं है तो उसको मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड अगेन नो डेप्रिसिएशन। तो देखो पहले वाले ब्लॉक में माइनस मान से चले गया, तो एसेट होने के बावजूद आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाए। दूसरे पॉइंट में आंसर प्लस में है, लेकिन एसेट ही नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, आपने सेल की है 13 लाख में केवल एसेट ए को, तो आपके पास कितने पड़े हैं, या चलो 12 लाख ले लेते हैं, तो आपके पास कितने पड़े हैं 2 लाख, आपके पास कितने रुपए पड़े हैं 3 लाख, सॉरी 3 लाख। पॉजिटिव आंसर है,
और आप क्या देखो, दो एसेट थी ए और बी, दो एसेट थी और आपने बेची कौन सी है, केवल ए। स्टिल आपके पास बी पड़ी है ना, स्टिल आपके पास में बी पड़ी है, तो इन दैट केस इसको हम लोग क्या मानेंगे, बैलेंस ऑफ एसेट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 3 लाख। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 3 लाख के ऊपर। आई बात समझ में, यस और नो? यस और नो? ओके डन। दूसरा, दूसरा ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब जिन एसेट्स का नेचर सेम है और उन पर डेप्रिसिएशन की रेट सेम है, उनको हम लोग एक ही ग्रुप में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बोलता हूं, आपके पास में मशीन है ए और डेप्रिसिएशन रेट है 15%, फिर मशीन बी 15%, मशीन सी 30%, फर्नीचर ए 10%, फर्नीचर बी 10% एंड बिल्डिंग ए 10%। तो देखो अब क्या होगा, सुनना, मशीन ए और बी, मशीन देखो कर्सर आ रहा है, मशीन ए और बी, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन, दोनों मशीन है और दोनों पे डेप्रिसिएशन की रेट सेम है, तो इन दैट केस ये किस में जाएंगे, एक ब्लॉक में। मशीन सी है तो मशीन, पर इस पर देखो डेप्रिसिएशन की रेट अलग है तो ये भी मशीन पर इस पे डेप्रिसिएशन। तो देखो नेचर और नेम, सो नेचर और रेट दोनों सेम होनी चाहिए, तो इस पे रेट अलग है इसलिए किस में चल जाएगी, सेकंड ब्लॉक में। तीसरा देखो, फर्नीचर ए, फर्नीचर बी और बिल्डिंग ए, तीनों पे डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, बट देखो फर्नीचर ए और बी दोनों फर्नीचर है, इनका नेचर सेम है तो ये जाएंगे अलग ब्लॉक में, और बिल्डिंग का नेचर सेम है ये जाएगा अलग ब्लॉक में। आई बात समझ में सबके? हाँ, इसका एक एक्सेप्शन जरूर है, इसका एक एक्सेप्शन है, मशीन एंड कार विल रिमेन इन सेम ब्लॉक, ये एक एक्सेप्शन है, मशीन और कार हमेशा सेम ब्लॉक में जाएंगे, वो कभी भी अलग अलग ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे। तो आई होप गाइस कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया है, ठीक है? तो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।